दोस्तों, संत कबीर दास जी की अमृतवाणी तो आप सबने सुनी होगी। उन्होंने अनेकों दोहे लिखे हैं, मगर आज आपको उनके ही लिखे कुछ महत्वपूर्ण दोहे और अर्थ बताने जा रहे हैं जो आप नहीं जानते। सूर सती का सहज है, घड़ी इक का घमसान, मरय न जीवे मर्जीवा, धमकत रहे मसान। अर्थात सूर और सती सुलभ हैं, एक ही घड़ी का उनका युद्ध है। लेकिन साधक को ना मरना है ना जीना है, बल्कि काम क्रोधादि को ज्ञान के शमशान में दिन रात जलाकर भस्म करते रहना है। मेरा घर जा लिया, लिया पलीतन हाथ, जो घर जारो आप ना, चलो हमारे साथ। अर्थात जगत देह में जो मैं मेरापन की अहंता ममता हो रही है, ज्ञान की आग बत्ती हाथ में लेकर इस घर को जला डालो। अपने अहंकार घर को जलाकर ही मेरे साथी बन सकते हो। जीवत मृतक होए रहे, तसई खलक की आस, रक्षक समृत सदगुरु, मति दुख पावे दास। अर्थात जगत की आशा छोड़कर जीते जी मर जाए। ऐ शिष्य, जगत की आशा में पढ़कर तू क्यों दुखी होता है? समर्थ सदगुरु ही तेरा रक्षक है। शब्द विचारी जो चले, गुरु मुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापय नहीं, काबू न ग्रासय काल। अर्थात गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते और वह कदापि मन कल्पनाओं के मोह में नहीं पड़ता। अजहु तेरा सब मिटे, घर में झगड़ा होत है, जो जग माने हार, सो घर डाको जार। अर्थात आज भी तेरी विपदा मिट सकती है अगर जगत से हार मानकर निर्भिमानी हो जाए। तुम्हारे अहंकार रूपी घर में जो काम क्रोधादि का झगड़ा हो रहा है, उसे ज्ञान की अग्नि में जला डालो। मन को मृतक देख के मति माने विश्वास, साधु तहा लौं भय करे, जो लौं पिंजर सांस। अर्थात चित्त को मृतक देखकर यह विश्वास मत करो कि वह अब धोखा नहीं देगा। ज्ञानी संत चित्त से तब तक भय रखकर सावधान रहते हैं जब तक शरीर में सांस चलता है। पांचों इंद्रियां छठा, मन सम संगत सूचंत, कह कबीर जग क्या करे, सातों गांठ ही निश्चिंत। अर्थात आंख नाक कान जीभ तथा त्वचा, इन पांच ज्ञान इंद्रिय तथा छठे चित्त के सातवें सत्य चेतन स्वरूप में जिन्होंने जोड़ दिया है। गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे स्वरूप ज्ञानी को मन वासना रूपी यमराज क्या करेगा। उपर्युक्त सातों गांठे निश्चित हैं। भक्त मरे क्या रोइये, जो अपने घर जाए, रोइये साकट बापुरे, हाटों हाट विकाए। अर्थात जिसने अपने कल्याण रूपी अविनाशी घर को प्राप्त कर लिया, ऐसे संत भक्ति के शरीर छूटने पर क्यों रोते हैं? बेचारे अभक्त अविवेकियों के मरने पर रो, सो मर कर 84 के बाजार में बिकने जो रहे हैं। जीवन में मरना भला, जो मरी जाने कोए, मरना पहले जो मरे अजर अमर सो होए। अर्थात जीते जी ही मरना अच्छा है। अगर कोई मरना जाने तो मरने से पूर्व ही जो मर लेता है वह असर अजर हो जाता है। कबीर मृतक देखकर मति धारो विश्वास, कभू जागे भूत है, करे पिंड का नाश। अर्थात ऐ साधक, चित्त को शांत मृतक देखकर निडर मत हो, अन्यथा वह तुम्हारे परमार्थ में मिलकर जागृत होगा और तुम्हें प्रपंच में डालकर पतित करेगा। जब लग आग शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजय, चौड़े रहा बजाए। अर्थात जब तक देह की आशा और आसक्ति है, तब तक कोई मन को मिटा नहीं सकता। अतएव तन का मोह और मन की विषय वासना को त्याग कर सत्संग मैदान में बैठना चाहिए। मैं जानू मन मर गया, मर के हुआ भूत, मुए पीछे उठी लगा ऐसा मेरा पूत। अर्थात भूल से मैं यह समझता था कि मेरा हृदय मर गया, लेकिन वह तो मरकर प्रेत हुआ, मरने के बाद भी उठकर मेरे पीछे लग पड़ा। यह मेरा मन बालक की भांति है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।